नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बुलडोजर की कार्रवाई के चलते अब एक नया मामला सामने आया है। दरअसल अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चलेगा, योगी सरकार ने तो ये साफ कर दिया है। लेकिन अब सरकार के अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने तेजाब फेंकने की धमकी दी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा प्राधिकरण की टीम ने अवैध आक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया हुआ है। इसी बीच कुछ स्थानीय लोगों ने टीम के सदस्यों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। दरअसल सलारपुर गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान का कुछ लोगों ने बुधवार को विरोध किया। प्राधिकरण के अधिकारी जो पुलिस और बुलडोजर को साथ लेकर गए थे, उन्होंने अवैध निर्माण हटाने का अभियान स्थगित कर दिया और लगभग 4 घंटे बाद पीछे हट गए, क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने खुद पर तेजाब डालने की धमकी दी। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। बाद में लेखपाल विनय कुमार और नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर सुंदरलाल ने 3 निवासियों, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून के तहत अवैध अतिक्रमण का विरोध करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में अभी FIR दर्ज होनी बाकी है। पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने बताया, हम मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा दावा किया गया था कि ग्रामीणों ने खुद पर तेजाब डालने की धमकी दी थी। शिकायत के अनुसार सर्कल 7 के अधिकारियों की नोएडा टीम, भूमि अभिलेख विभाग और पुलिस बुधवार सुबह बुलडोजर के साथ सलारपुर गांव पहुंची। आपको बता दें, इसके तुरंत बाद वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और अधिकारियों से अभियान को रोकने के लिए कहा। अधिकारियों ने शिकायत में कहा कि बुजुर्ग महिला और एक शख्स जिसकी पहचान दीपक भाटी के रूप में हुई है, वो 4 दीवारी पर चढ़ गए। इसे तोड़ना जाना था क्योंकि ये 50,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गया है, जिसे नोएडा प्राधिकरण ने विकास कामों के लिए निर्धारित किया था। एक बाल्टी लेकर उन्होंने कथित तौर पर टीम से कहा कि अगर अतिक्रमण रोधी अभियान बंद नहीं किया गया तो वो अधिकारियों पर तेजाब फेंक देंगे। उन्होंने कथित तौर पर कार्यांचल अधिकारी और तहसीलदार के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने मौके पर ही प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस बल ने रोक दिया। लेकिन कुछ महिला और पुरुष ने प्राधिकरण टीम के साथ बदसलूकी की और सरकारी काम में बाधा डाली। दीपक भाटी ने प्राधिकरण की टीम पर तेजाब से भरी बाल्टी फेंकने का प्रयास किया। शिकायत में आगे कहा गया कि कई बार हुए अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन रात में चोरी छुपे अवैध निर्माण किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि टीम विरोध के बाद क्षेत्र छोड़कर चली गई। हालांकि तब भी अधिकांश दीवार को गिरा दिया गया था। कुछ ग्रामीणों ने बाद में खुद पर भी तेजाब डालने की धमकी दी थी। ये लोग कौन लोग हैं जो न सरकार से डरते हैं न अधिकारियों से? लोगों को जब अवैध निर्माण बनाने से डर नहीं लगा तो वो लोग सरकार से क्या डरेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई करने आए अधिकारियों पर तेजाब फेंकने की धमकी, ये तो वही बात है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।